बच्चों, मैं मंजी वर्मा आप लोगों की हिंदी शिक्षिका आरकेएस पब्लिक स्कूल से वर्ग 4 के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप सभी बच्चे घर में सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रख सके, इसीलिए हमारे स्कूल ने ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है। तो चलिए बच्चों, आज से हम लोग अपनी हिंदी की पढ़ाई को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक में कविता हमको पढ़ेंगे। कविता को पढ़ने के पहले हम उससे कुछ चर्चा कर लेते हैं। हम जिस देश में रहते हैं, जिस धरती पे हमने जन्म लिया है, जिस समाज में हमारा पालन पोषण किया है, उन सभी के प्रति हमारा एक बड़ा कर्तव्य है और हम सभी को अपने कर्तव्यों का पूर्ण ईमानदारी के साथ निर्वहन करना चाहिए। बिना कर्तव्य के हम अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते और इस प्रकृति के प्रति हमारे कुछ दायित्व है, इसे हमें निभाना होगा। तो चलिए आज हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। कविता को पढ़ने के पहले सबसे हम पहले इसमें आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे, जिससे हमें कविता को पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। शब्दार्थ यहाँ मैंने लिखा है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ देखेंगे। आनंद का अर्थ होता है मुख, सिंचित का अर्थ होता है सींचना, हम फसलों को सींचते हैं, खेतों को सींचते हैं, सिंचित का अर्थ है सींचना। प्रभात, प्रभात का अर्थ है सवेरा। ट्रीन, ट्रीन का अर्थ है टिंकर। बच्चों आप लोगों ने देखा है कि ये लोग टिंके को चिंचन कर अपने घोंसले को बनाती है। मानी का अर्थ होता है लाल रंग का एक रत्न। तरु का अर्थ है केश। मकरंद, मकरंद का अर्थ है फूलों का रस। सर्वत्र, सभी जगह, चारों ओर सभी जगह को क्या करते हैं, सर्वत्र। भ्रमर, भ्रमर का अर्थ होता है भौरा। हमने भौरों को देखा होगा फूलों पे रस चुनते हुए। गुंजन, गुंजन का अर्थ है भौरों की गुंजार, भौरों की आवाज को हम बोलते हैं गुंजन। तो अब चलिए हम लोग इस कविता को देखते हैं। हम प्रभात की नई किरण पर नई ज्योति बिखराएंगे। हम सुबह की प्रभात की नई किरण बन के नई ज्योति पूरे संसार में फैलाएंगे, बिखराएंगे। कंकर को, त्रिंत्रिंग को मोती मानिक कर चमकाएंगे। हरेक कण को, हरेक त्रिंग को, त्रिंग का अर्थ है सिंगर। हरेक कण को, हरेक त्रिंग को मोती की तरह और मानिक, मानिक का अर्थ है लाल रंग का रत्न। तो हरेक कण को और हरेक तिनके को मोती की तरह और मानिक की तरह हम उसको चमकाएंगे। हम तरु तरु के नए मन मन उपवन नए सजाएंगे। हम तरु तरु, तरु का अर्थ होता है पेड़। हम हरेक पेड़ के नए सुमन नए फूल बनकर नए उपवन को, बगीचे को सजाएंगे और प्रकृति को सजाएंगे। नूतन मधु मकरंद शुद्धि के, नूतन का अर्थ होता है नया मध, मकरंद, मकरंद का अर्थ है फूलों का रस, शुद्धि का अर्थ होता है सुगंध। तो हम नए मध फूलों के रस और सुगंधों के कण से सर्वत्र लुटाएंगे। हर एक जगह इन सबको, मन को, फूलों के रस को और सुगंधों को हर एक कण को फैलाएंगे। हम भ्रमरों के नव गुंजन पर नूतन स्वर में गाएंगे। हम भ्रमरों के, भ्रमर का अर्थ होता है भौरा। हम भौरों की नए गुंजन पर, हम भौरों की नई आवाज बन के नए स्वर में गाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब इस कविता को हम अभी यहीं पढ़ने देते हैं और कल इसकी आगे की पढ़ाई होगी। तो बच्चों ये शब्दार्थ आप लोगों को अपनी हिंदी की प्रेयर कॉपी में लिखना है और इस कविता को याद करना है। आज के लिए इतना ही और फिर अगली कक्षा में ना आगे की कविता के अर्थ को जानेंगे। इस कविता को सभी बच्चे याद करेंगे और इसके अर्थ को अपनी हिंदी की प्रेयर कॉपी में लिखेंगे। आज के लिए आप लोगों का ग्रीन कार्ड है और अगली पढ़ाई अगली कक्षा में।